फरवरी 2023 के दिन सीरिया और तुर्की में एक भूकंप आया जिसने वहां के लोगों को एक ही बार में बेघर कर दिया। ये भूकंप अकेला नहीं था बल्कि अपने साथ एक और बड़े भूकंप को लेकर आया था। इसका सेंटर पॉइंट यानी कि एपिसेंटर तुर्की में ही था और एपिसेंटर के करीब 100 किलोमीटर के आसपास के रेडियस को इस भूकंप ने निस्तनाबूद कर दिया था। कैसे ताश के पत्तों की तरह वहाँ की इमारतें गिरी और कैसा था वहाँ की बदहाली का हाल वो तो आप सबने इंटरनेट पर देख ही लिया होगा। करीब 60,000 से ज्यादा लोगों की इस भूकंप में जान गई है और 80,000 से ज्यादा लोग डिसेबल बने। कुल मिलाकर हम सारी नैसर्गिक आपदाओं को देखें जिसमें चाहे सुनामी हो, भूकंप हो या कोई और, इन सब में सबसे घातक आमतौर पर भूकंप होता है। लेकिन भूकंप से जुड़ा एक और पहलू भी है। 5 फरवरी को जब तुर्की में भूकंप आया तब एक्सपर्ट्स ये बता ही चुके थे कि तुर्की में कभी ना कभी 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे तकरीबन 300 से 500 सालों में बिल्ट होता है। अभी आप हो सकता है कि दोस्तों कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिए। अर्थक्वेक्स को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन हम इस एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं और इस वीडियो में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के बारे में भी जानने वाले हैं कि क्या हो अगर आज तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप यानी कि 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो, और ये भी जानेंगे कि क्या हम इंसान अप्राकृतिक रूप से भूकंप को क्रिएट कर। 3 फरवरी 2023 का दिन था। ट्विटर पर एक यूजर ने तुर्की और उसके आसपास के देशों के नक्शे को पोस्ट करते हुए कहा कि सूनर और लेटर यहाँ पर भूकंप आने वाला है और वो भी 7.5 मैग्नीट्यूड का। इस तरह की भविष्यवाणी करने वाला ये व्यक्ति ना तो कोई भविष्य देख सकता है और ना ही ये तुक्का मारने वालों में से है। फ्रैंक हुगरबिट्स नाम का ये व्यक्ति सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के डोमेन में रिसर्च करता है और इस तरह की भविष्यवाणी करने वाला ये पहला रिसर्चर नहीं है। दरअसल इससे पहले भी इस जगह की इस तरह की कई और भविष्यवाणियां भी की जा चुकी थी। इसकी वजह है इस जगह का लोकेशन जो बिल्कुल ही पॉइंट पर और रेड जोन में स्थित है जो कि भूस्तरीय 3-3 टेक्टोनिक प्लेट्स का ज्वाइनिंग पॉइंट है। इसकी एक तरफ अरेबियन प्लेट है, एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है और एक तरफ एनाटोलियन प्लेट है और इन सबके ऊपर एक यूरेशियन प्लेट भी मौजूद है जिसके दबाव की वजह से इन सभी के बीच लगातार टेंशन बनती रहती है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि अगर किसी जगह पर दो ही प्लेट हो तब भी ये एक दूसरे की तरफ मूव करती है जिससे भूकंप आता है और यहाँ पर तो मल्टीपल प्लेट्स मौजूद है इसलिए भूकंप आने के चांसेस यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और इस तरह की प्लेट्स की मूवमेंट पर नजर रखी जाए तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा जोन भूकंप के रेड लाइन में है। हालांकि भूकंप की एग्जैक्ट स्पेसिफिक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती लेकिन किसी जोन में किसी एक लंबे समय के अंतराल में भूकंप आ सकता है या नहीं इसकी भविष्यवाणी हो सकती है। भूकंप एग्जैक्टली कब आने वाला है इसका इसलिए पता नहीं चल सकता क्योंकि अंदरूनी एनर्जी के फोर्स का हमें कोई आइडिया नहीं होता है। हाँ अगर उस फोर्स का आइडिया हो तो उसकी स्पेसिफिक भविष्यवाणियां लमसम की जा सकती है लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। तो दोस्तों चलिए अभी हम जानते हैं कि क्या हो अगर रिक्टर स्केल में सबसे हाईएस्ट मार्क यानी कि 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आए तो। दोस्तों आज तक हमने रिक्टर स्केल पर अगर हाईएस्ट किसी भूकंप को रिकॉर्ड किया है तो वो हाईएस्ट नंबर है 9.5 मैग्नीट्यूड का। साल था 1960 और जगह थी चिली का वेलडेविया शहर। दुनिया में बहुत सारी जगह पर भूकंप हुए हैं। गुजरात में भी साल 2001 में एक खतरनाक अर्थक्वेक आया था और पोर्टुगल में तो एक ऐसा अर्थक्वेक भी भूतकाल में आया था जिसने लिस्बॉन शहर को खत्म कर दिया था और आज का लिस्बॉन पूरी तरीके से रीडेवलप हुई सिटी है। लेकिन दोस्तों ये दुनिया के सारे भूकंप चिली के साल 1960 में आए इस भूकंप से नीचे थे। हाँ हालांकि यहाँ पर तुर्की की तरह घनी आबादी न होने के कारण चिली में जान कम लोगों की गई थी लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा था। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की वजह से हुआ था। इस भूकंप का प्रभाव उसके सेंटर पॉइंट से 1000 किलोमीटर के रेडियस में हुआ था और सेंटर पॉइंट से 100 किलोमीटर का रेडियस तो बिल्कुल गायब ही हो गया था। अगर उस समय चिली की आबादी भारत की आबादी की तरह होती
तो कह सकते हैं कि वहां पर मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती। दोस्तों ये तो केवल तब है जब भूकंप का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में 9.5 है, लेकिन अगर भूकंप 15 मैग्नीट्यूड का हो तो क्या हो सकता है? क्या इस भूकंप से हिमालय जैसी बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो सकता है? दोस्तों सीस्मोलॉजी के एक्सपर्ट्स के अनुसार 10 मैग्नीट्यूड और 15 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बीच भले ही आपको 5 डिजिट का अंतर दिखाई देता हो, लेकिन जब हम इन्हें रियल स्केल पर देखें तो 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप 10 मैग्नीट्यूड के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। क्योंकि दोस्तों 5 मैग्नीट्यूड तक सब कुछ लेवल में रहता है, लेकिन 5 के बाद एक एक मैग्नीट्यूड हजारों परमाणु बम के समान बन जाते हैं। और दोस्तों 15 मैग्नीट्यूड का अगर कोई भूकंप किसी विस्तार में आ जाए तो समझो लगभग इसे पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकेगा। बस मेरे इतने वाक्य से ये समझ लो कि इसकी तीव्रता कितनी होगी। और दोस्तों इतने बड़े भूकंप के बाद अगर पृथ्वी पर सबसे पहला कोई नजारा दिखाई देगा तो वो होगा वोल्केनो इरप्शन। इस पूरी दुनिया में करीबन 1300 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है, जिनमें एक से बढ़कर एक खतरनाक ज्वालामुखी है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अपने आसपास के 50 किलोमीटर के रेडियस को गायब ही कर देंगे। 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सबसे पहले तो इन्हीं ज्वालामुखियों को ट्रिगर करेगा। ये सभी ज्वालामुखी एक साथ फट जाएंगे। दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये नजारा कितना खतरनाक और कितना तबाही भरा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये तो बस फर्स्ट हाफ है। आपको बता दे कि ये जमीन के ऊपर वाले ज्वालामुखियों की बात थी, लेकिन वैज्ञानिकों के एक अंदाज के अनुसार समुद्र के भीतर करीब 10 लाख से ज्यादा छोटे बड़े ज्वालामुखी हैं। और इतना बड़ा भूकंप आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये सभी ज्वालामुखी एक साथ इरप्ट होने लगेंगे, और जिसके चलते समुद्र का सारा पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। टेक्निकल भाषा में कहें तो किनारों पर सुनामी ही सुनामी होगी, और ये होने तक करीब 90% पृथ्वी की आबादी खत्म हो चुकी होगी, और जो 10% बचे हैं वो किस्मत वाले नहीं लेकिन और ज्यादा बदकिस्मत होंगे। और इसका कारण है ज्वालामुखियों के बाद उससे पैदा होने वाली गैस। पृथ्वी पूरी गैस चैम्बर बन जाएगी, और वो 10% मौजूद पृथ्वी के लोग और प्राणी भी अपना दम धीरे धीरे तोड़ देंगे। तो दोस्तों ये थे वो सारे प्रभाव जो कि 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप इस पृथ्वी पर डाल सकता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या इस तरीके का भूकंप कभी पृथ्वी पर आ सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब हमें पृथ्वी के गर्भ में मिलेगा। अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर मौजूद अलग अलग प्लेटों की, तो उनकी गतिविधि, उनकी हलचल पहले के मुकाबले अब बहुत शांत हो चुकी है। शुरुआती दौर में जब पृथ्वी एक गर्म गोला हुआ करती थी, तब उसके भीतर बहुत ही ज्यादा हलचल होती थी, लेकिन अब इस वक्त ऐसा होना टेक्निकली संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान शांत हो चुका है और इन प्लेट्स में मौजूद मैटर भी काफी शांत हो चुका है। इसलिए कुछ हद तक भूकंप आ सकते हैं, लेकिन 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप पृथ्वी की अंदरूनी हलचल से तो नहीं आ सकता है। हाँ, अगर बाहर से किसी तरह कोई इम्पैक्ट होता है तो ये हो सकता है, जैसे कि किसी बड़ी उल्का का टकराना। आपको पता होगा डायनासोर के युग में चिक्सेलोब नाम का एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण डायनासोर का विनाश हुआ था। अब दोस्तों एक्चुअली उस टकराव से डायनासोर नहीं मरे थे, लेकिन उस टकराव के बाद करीब 15 से 20 मैग्नीट्यूड का भूकंप इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, जिसके चलते पृथ्वी के ज्वालामुखी इरप्शंस और गैस चैम्बर बन जाने से डायनासोर से नहीं लेकिन 25 किलोग्राम से ऊपर के वजन वाले सभी जीव उस समय पृथ्वी पर खत्म हो गए थे। और इस तरह अगर कोई बाहरी फोर्स इन्फ्लुएंस करता है तो पृथ्वी पर यह भूकंप आ सकता है, लेकिन पृथ्वी की अंदरूनी हलन चलन से तो इतना बड़ा भूकंप आने की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो इसलिए दोस्तों आपको अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये तो बात हुई कुदरती धरती कंपों की, लेकिन क्या इंसान इस धरती पर कृत्रिम तरीके से भूकंप का निर्माण कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है जी हाँ, कर सकते हैं। और ऐसे अर्थक्वेक्स को इंड्यूस अर्थक्वेक कहा जाता है, और इनके पीछे बहुत सारे कारण जवाबदार होते हैं। इसका सबसे पहला कारण तो है मानव द्वारा की जाने वाली ड्रिलिंग। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो बहुत सारे खड़क टूटते हैं, जिन वजह से पृथ्वी के गर्भ में संघर्ष और प्रेशर क्रिएट होता है। हालांकि बहुत कम ड्रिलिंग से कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब एक ही जगह पर बहुत सारी ड्रिलिंग हो जाए तब छोटे बड़े अर्थक्वेक आते हैं,
हालांकि ये अर्थक्वेक इतने छोटे होते हैं कि जो हमें महसूस भी नहीं होते हैं। मानव सर्जित भूकंप का दूसरा एक कारण होता है डैम का क्रिएशन। अगर किसी डैम का निर्माण फॉल्ट लाइन के आसपास हुआ है तो वो भूकंप को आगमन दे सकती है। इसका एक उदाहरण अमेरिका के एक राज्य ओक्लाहोमा का ले तो वहां पर बहुत सारे डैम और बहुत सारी ड्रिलिंग हो रही थी, जिसके चलते वहां पर एक ही साल में छोटे छोटे 700 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। मानव निर्मित भूकंप का एक और कारण है जो बहुत ही खतरनाक है और वो है परमाणु विस्फोट। अमेरिका जैसे देश ने अब तक करीब 1000 से ज्यादा परमाणु शस्त्रों का परीक्षण किया है और ये परीक्षण अमेरिका ने स्पेस से लेकर जमीन के अंदर तक किए हैं। ये बात अलग है कि बाद में कुछ संधियां करके अमेरिका ने अपने परीक्षण रोक दिए थे, पर कोल्ड वॉर में तो अमेरिका ने हद ही पार कर दी थी। एक परमाणु परीक्षण की ओर नजर डाले तो अमेरिका ने साल 1971 में अलास्का स्टेट के एक टापू पर परमाणु परीक्षण किया था, जहां पर परमाणु बम जमीन के अंदर फोड़ा गया था और जिसकी वजह से 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप वहां पर हुआ था और 3 दिन के अंदर वहां पर 1000 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स आए थे और इस पूरी घटना को बकायदा एक वीडियो बनाकर वीडियो में कैद की गई थी। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठता हो कि क्या ऐसे भूकंप किसी निश्चित स्थान को टारगेट करके किए जा सकते हैं, तो जवाब है मुझे नहीं पता। आगे आप खुद अपना रिसर्च करें, आप खुद समझदार है। सो फ्रेंड्स, अर्थक्वेक के रिलेटेड आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर आप पृथ्वी की ज्योग्राफी और अर्थक्वेक के बारे में और ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके हमारी एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, जिससे आपकी नॉलेज में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आपके जो भी विचार जो भी आइडियाज हो उसे हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे वीडियोस के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।